नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 19 दिसंबर को संगणक यानी कि कंप्यूटर की भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है और इस परीक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज जारी किए हैं। संगणक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए ये दिशा निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप जरूर इनको फॉलो करें। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संगणक के एग्जाम के लिए अभी आपके पास में 9 दिन का समय शेष है और इस 9-10 दिन के समय में आप किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, ताकि आप फाइनली रूप से इस परीक्षा में कामयाब हो पाए। देखिए मित्रों, परीक्षा में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत तो करनी ही है और आपने मेहनत की भी होगी। आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में, कंपटीशन के युग में आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मैं आपको ये जो 10 दिन है, इस 10 दिन में आप किस प्रकार से मेहनत करें कि फाइनली रूप से सफल हो जाए, और मेहनत भी आपको एक स्मार्ट तरीके से करनी है। क्या होता है कि हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन ना तो इतनी चीजें हमें याद रह पाती है और ना ही हम एग्जाम में उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो किस प्रकार से आपको एग्जाम में स्ट्रेटजी इसे अपनानी है अभी 8-10 दिनों में, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, वो भी बहुत ही सीमित संसाधनों के माध्यम से, सीमित स्टडी मटेरियल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं इस परीक्षा के जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसके बारे में, उसके बाद में हम आपको महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं संगणक अभ्यर्थियों के लिए, वो भी मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 19 दिसंबर को, रविवार को, प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य आपकी परीक्षा राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित परीक्षा केंद्रों पर है वो आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है, आप सभी को पता होगा। साथ ही साथ इसमें आपको जो प्रवेश पत्र है, आपके एडमिट कार्ड है, वो कब जारी होगा उसको लेकर भी आपको काफी उत्सुकता होगी। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आज 9 तारीख हुई है और आगामी आपको 13 दिसंबर से आप RSMSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी आपको बहकावे में, झांसे में नहीं आना है कि हम पेपर आपको ले देंगे, ऐसे कर देंगे, तो उन बातों को आपको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चलना है। परीक्षा में 1.5 घंटे पहले आपको उपस्थिति देना सुनिश्चित करना है। कोविड के बचाव के लिए आपको मास्क वगैरह, वो सारे के सारे जो भी इन्होंने बताए हैं, वो आपको इस रूल्स को फॉलो करना है। ये PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडी पर, वहां पर भी डाल दूंगा। आप ड्रेस कोड वगैरह जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए एग्जाम में बैठने का यत्न करें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपकी परीक्षा की स्कीम के बारे में देखते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं, आपको किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए। तो देखिए मित्रों, कंप्यूटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका इस प्रकार का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आप सभी ने अच्छे तरीके से इनको देखा होगा, इस पर आपने तैयारी भी इसको मद्देनजर रखते हुए की हुई की होगी। इसमें देखिए, आपके पैटर्न को समझा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपका, इन्होंने कितना बताया है, 100 प्रश्न आपके इस परीक्षा में है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर प्रीवियस एग्जाम के पेपर को देखा जाए तो आपके स्टेट असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल ऑफिसर और कंप्यूटर संगणक, इन सभी परीक्षाओं का जो एग्जाम स्कीम है वो लगभग लगभग सेम है। ये सारी की सारी चीजें इसमें 30 प्रश्न तो ऊपर वाले इस पोर्शन से आपके पूछे जाएंगे, राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित,
ठीक है, और बाकी आपके 70 प्रश्न है वो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से संबंधित रहेंगे। तो मित्रों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने जो भी आज तक पढ़ा है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको इस 10 दिनों में रिवीजन करना चाहिए। नई चीजें आपको ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित जो डेटा है वो आप जरूर एग्जाम से पहले एक दो बार देख कर जाए, क्योंकि ये डेटा याद नहीं रह पाते हैं, इसीलिए परीक्षा से पहले जरूर इनका रिवीजन करें, इकोनॉमिक्स रिव्यू से संबंधित फैक्ट्स और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान जीके का ये जो 30 नंबरों का आपका पोर्शन है इसको अच्छी तरीके से कवरअप करते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर। तो आप अगर चाहे तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न मिलेंगे। उस 50 प्रश्नों में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर इंक्लूड होगी। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान जीके वाला कंप्लीट पोर्शन, साथ ही साथ उसमें कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित आपके लगभग 8-10 प्रश्न है वो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसको भी 8-10 प्रश्न प्रत्येक टेस्ट में बेसिक कंप्यूटर के सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 7-8 7-8 प्रश्न इकोनॉमिक्स रिव्यू और करंट अफेयर से जुड़े हुए भी आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आपका एक बार रिवीजन इससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपकी इस परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए, आपके पेपर का स्टैंडर्ड, आपके पेपर की स्कीम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है। और इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो मात्र 249 रुपये है। इस पर भी 10% डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। और इस टेस्ट सीरीज में मात्र आपको टेस्ट ही नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपके जो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित आपको 10 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें मेनली प्रश्न है एमएस ऑफिस से, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, और दूसरा है आपका इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो वही चीजें जो आपके पाठ्यक्रम में है उस ई बुक में सम्मिलित की है, जो आपको स्टेट सीरीज के साथ में बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि वो ये है कि जो आपके इस परीक्षा है स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर और एक है आपकी संगणक, ठीक है, इन परीक्षाओं में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज तक किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, राजस्थान का जीके भी है, ये आपका 199 पेजों की जो पीडीएफ है ये आपका सिलेबस आप देख सकते हैं। एएसओ का सिलेबस है, एएसओ का एग्जाम भी आपका जल्द ही होने वाला है। इसके लिए भी इन्होंने डाल दिया है, आरपीएससी ने रिक्रूटमेंट है वो डाल दी है। इसके अलावा बात करें तो आपकी स्टैटिकल ऑफिसर, तो स्टैटिकल ऑफिसर का भी एग्जाम आपका इससे एक दिन पूर्व यानी कि 18 तारीख को होने वाला है। ठीक है, उन सभी में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। ये स्टैटिकल ऑफिसर का है और ऊपर हमने देखा था वो संगणक का है। ठीक है, इसमें भी आपकी ये इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, 70-30 का रेशियो है जीएस, और आपका ये टेक्निकल पोर्शन है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 का प्रश्न पत्र है, जिसमें आपका राजस्थान का जीके भी है, मैथ भी है, इकोनॉमिक्स भी है और आपकी सांख्यिकी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से 200 पेजों की ये पीडीएफ है, इसमें सारा कुछ मैटर है जो पूछा गया है, और मोस्टली वही प्रश्न आते हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम में आपके इसी पेपर के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जो पेपर छापे गए हैं वही आपको काफी हद तक, ये पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 8-10 दिन है, अगर आप प्रीवियस पेपर को भी एक बार अच्छी तरीके से देख कर चले जाते हैं तो आपको काफी हद तक, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको काफी हद तक आप आगे निकलने के दौड़ में रहेंगे, अगर ये पेपर आप अच्छी तरीके से इनका विश्लेषण है वो कर लेते हैं। विश्लेषण दूर की बात है, अगर आप इनके
प्रश्न उत्तर ही देख लेते हैं कि कौन सा क्या इसका उत्तर है, ठीक है। और इसके आसपास में और भी जो फैक्ट्स हैं वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो मित्रों ये जो कंटेंट है ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर एक टेस्ट सीरीज जो ASO SO एग्जाम के लिए हमने लॉन्च की है, उस टेस्ट सीरीज आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, 250 रुपये है मात्र उसकी फीस। उसमें आपको 12 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 50-50 प्रश्नों का, राजस्थान जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक रिव्यू और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े जिसमें प्रश्न होंगे। उसके साथ में बेसिक कंप्यूटर की 10 नंबरों की जो पोर्शन आपके पूरे बेसिक कंप्यूटर को कवर करते हैं ASO और कंप्यूटर एग्जाम के लिए, वो ई बुक आपको वहां पर फ्री अवेलेबल होगी। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का कंपाइलेशन है ये भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपरों के कंपाइलेशन को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन बेसिक कंप्यूटर की जो ई बुक है वो ई बुक फॉर्मेट में है जिसे आप एप्लीकेशन में ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इस परीक्षा में फाइनली रूप से आपको सिलेक्शन दिलाने में काफी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगी। तो जरूर आप इसे प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ ये जो 10 दिन है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपने जो पहले चीजें पढ़ रखी है, कंसेप्ट जो भी पढ़ रखा है उनको ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें, और जो चीजें आपके सिलेबस में है सिलेबस अपने पास में रखिए, और सिलेबस में जो जो टॉपिक फैक्ट्स बता रखे हैं उनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिव्यू भी आ गया राजस्थान का, तो इकोनॉमिक कंसेप्ट जैसे कि ये NSSO दे दिया, RBI दे दिया, नीति आयोग दे दिया, CSO दे दिया, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके संबंध में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान इसके संबंध में होना चाहिए कि RBI कब स्थापित हुआ, NSSO की फुल फॉर्म क्या है, इसका कार्य क्या है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीजें हैं वो आपको सीधे तौर पर कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, और ये भी पेपर देखेंगे तो सीधे सीधे इनसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे इकोनॉमिक कंसेप्ट दे रखे हैं इसमें इन्होंने बताया है प्लानिंग है, इन्फ्लेशन है, मनी है, नेशनल इनकम है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ये जो चीजें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, तो ये आपको अच्छी तरीके से है वो तैयार करना है। एक बार आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए, सिलेबस को देखते हुए सिलेबस में जो जो चीजें देख रखी है एक बार तो आप सिलेबस को ही पढ़ लीजिए, इस परीक्षा की अच्छी तरीके से आपको आएगी। और सिलेबस को आप देखेंगे तो सिलेबस में जो जो लाइनें लिखी हुई है उस लाइनों से संबंधित आपको आधारभूत नॉलेज है आपके पास में होना चाहिए। बहुत से प्रश्न है वो इनकी लाइनों से सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं, सिलेबस से टू द पॉइंट, ठीक है। तो यही आपकी इस 10 दिनों की रणनीति होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझिए सोचिए, और साथ ही साथ इस 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें, प्रैक्टिस जरूर करें, आपने जो भी पढ़ रखा है उनकी MCQs के माध्यम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जब तक आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसको ऑब्जेक्टिवली आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तब तक आप अच्छी तरीके से अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, और जब तक आप अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं तब तक आप सिलेक्शन से भी काफी दूरी पर रहते हैं। इसलिए रिवीजन करें, देन ज्यादा से ज्यादा MCQs के माध्यम से प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप किसी भी अच्छे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम डिजिटल स्टडी पर आपको GK, इकोनॉमिक्स और बेसिक कंप्यूटर से जुड़ा बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो 12 टेस्ट उनसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और दूसरा ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा गोल्डन कंटेंट है, इससे बेटर आपका कोई कंटेंट नहीं हो सकता है। आपने अब तक पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक दो बार कवर कर लिया होगा, अब आप इन प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकलवाएं, या अपने मोबाइल से ही प्रैक्टिस करें, अपने लैपटॉप से प्रैक्टिस करें, OMR शीट के माध्यम से 2-4 OMR शीट पर भी टेस्ट दीजिए। ये पूरे लगभग 7-8 पेपर होंगे, और पूरे अगर आप इस प्रकार से डेली एक पेपर निकालेंगे
पूरे 100 प्रश्नों का, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत से प्रश्न आपको इन पेपरों से इस परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, तो ये सोने पे सुहागा आपके लिए रहेगा। आप सभी को इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी आपका कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी omdigitalstudy@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।